जमात इस्लामी इंतखाबी मुहिम अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं चला रही। हमारे बगैर विफाक और सिंध में हुकूमत नहीं बनेगी, अगर बनी तो नहीं चलेगी। हाफिज नईमुर रहमान अपना इंतखाबी एजेंडा सामने ले आए, कहा सिंध के आवाम को हेल्थ कार्ड और आईटी एजुकेशन मुफ्त फराहम करेंगे। कराची में मुख्तलिफ कॉरिडोर के लिए 4 मेट्रो ट्रेनें और 5,000 बड़ी बसें चलाएंगे, K4 भी बनाएंगे, के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस भी मनसूख करेंगे। जमात इस्लामी इंशाल्लाह इस शहर से बहुत बड़ी तादाद में सीटें जीतेगी। जमात इस्लामी ये इंतखाबी मुहिम अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं चला रही। जमात इस्लामी के बगैर सिंध हुकूमत और विफाकी हुकूमत नहीं बनेगी, बनेगी तो नहीं चलेगी। पंजाब में कराची के टैक्सों के एक माकूल तरीन रकम से हेल्थ कार्ड चल सकता है, जब KP में कराची के टैक्सों की एक माकूल रकम से हेल्थ कार्ड स्कीम चल सकती है, तो कराची वालों बल्कि सूबा सिंध वालों के लिए क्यों नहीं हो सकता। हेल्थ कार्ड सिंध के आवाम को देंगे इंशाल्लाह, हम पूरी आईटी एजुकेशन फ्री कर सकते हैं और हम फ्री करेंगे। 4 मेट्रो ट्रेन, 4 मुख्तलिफ कॉरिडोर में, 2-3 साल के अरसे में 5,000 बड़ी बसें, ये कराची में जब होगा तो इसका ट्रांसपोर्ट का मसला रिजॉल्व होगा। जिस तरह K3 नेमतुल्ला खान साहब ने मुकम्मल किया था, K4 भी जमात इस्लामी मुकम्मल करेगी। K इलेक्ट्रिक, हम इसके 20 साल लाइसेंस को चैलेंज भी करेंगे, कैंसिल भी करेंगे, इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी करेंगे।